तो आज की क्लास में हम एमएस वर्ड में टेबल के साथ वर्क करना देखेंगे। हमने टेबल क्रिएट करने के कुछ मेथड्स देखे थे, बट उनको हम नोट्स में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के एमएस वर्ड में कई तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम एक एक करके विथ डायग्राम समझते हैं। एमएस वर्ड में टेबल बनाने के कई तरीके होते हैं। टेबल को बनाने के लिए इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन दिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम पर देख पा रहे हैं कि इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, और वहां पर आप देख पा रहे हैं कि कई ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंसर्ट टैब है, और इंसर्ट टैब में जाते ही आपको ये टेबल वाला ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे एरो दिख रही है। वहां पर क्लिक करते ही आपको इंसर्ट टेबल के ऑप्शंस दिखाई देंगे। क्लियर, ये दिख रहा है आपको इंसर्ट टेबल के कुछ ऑप्शंस। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनका कैसे हम यूज करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और उनको लिखना कैसे एग्जाम में या कॉपी में, उसको हम देखेंगे। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टेप लिखा हुआ है। स्टेप वन, क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्रिएट ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहला स्टेप होगा, यानी आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यानी एमएस वर्ड ओपन करेंगे। अगला स्टेप है आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ये इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है आपको, ऊपर में हमने देखा है कि यहाँ पर इंसर्ट टैब आता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द टेबल आइकन, टेबल आइकन पर क्लिक करेंगे। टेबल आइकन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ग्रिड डिस्प्ले होगा पॉपअप में। ये लिखा हुआ है टेबल ग्रिड पॉपअप विल बी डिस्प्लेड। टेबल का ग्रिड पॉपअप जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। क्लियर, तो ऐसा करने के बाद आपको दिखाई देगा कि कुछ ग्रिड दिख रही है। और अगला स्टेप तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि हमको आंसर लिखना कैसे है। तो आपको पॉइंट वाइज बना बना करके स्टेप लिखना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि पहला स्टेप यही है, क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन एमएस वर्ड। ओपन, जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपने आप बन जाता है। यहाँ पर क्लिक ऑन इंसर्ट के बदले उसका शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो स्टेप कई तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, आगे का देखते हैं अगला स्टेप क्या है इसमें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेबल पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन डिस्प्ले करता है। तो ये टेबल बनाने के कई तरीके, जैसे छह तरीके आपको दिख रहे हैं। पहला है ग्रिड की मदद से, दूसरा है इंसर्ट टेबल ऑप्शन, तीसरा है ड्रॉ टेबल, चौथा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पांचवा है एक्सेल स्प्रेडशीट से, और छठवा है क्विक टेबल। तो इस तरीके से छह सात ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा हम टेबल्स को बना सकते हैं। क्लियर है, और इन ऑप्शंस को हमने करके देखा भी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रिड से हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एमएस वर्ड में आप जितनी भी ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे रो और कॉलम में, जैसे यहाँ पर 7x6 लिखा है, यानी कि 7 रो और 6 कॉलम का जो ग्रिड है वो बनाया गया है। क्लियर, तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका टेबल इस तरीके से बना दिया जाएगा। ये सबसे पॉपुलर और आसान तरीका है टेबल बनाने का। ग्रिड को सेलेक्ट करके हम अपना टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको आप हिंदी में और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे ये स्टेप लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने पर हमको यहाँ पर ग्रिड डिस्प्ले होगा, और ग्रिड में हम रो और कॉलम को सेलेक्ट कर अपना टेबल बना सकते हैं। इसको बिल्कुल हिंदी में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इस सब्जेक्ट में फायदा ये होता है कि आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, केवल आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल कर ले रहे हैं तो पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद हो जाता है वो। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा तरीका है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आप अपने टेबल पर यहाँ पर कीबोर्ड का जो ये वाला बटन होता है उसकी मदद से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेप लिखा हुआ है, ये स्टेप को आप हटा भी सकते हैं, इनको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने के बारे में बता दिया है, उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। बट ये एडिशनल ऑप्शन बताया है कि आप सेल को इस तरीके से भी सेलेक्ट या नेविगेट कर सकते हैं।
अगला दूसरा जो मेथड है आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से भी आप टेबल बना सकते हैं। पहले हमने जो पहला ऑप्शन देखा उसमें हमने ग्रिड की सहायता से टेबल बनाया था। दूसरा जो टेबल बनाने का तरीका है एमएस वर्ड में वो है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, जो सेकंड ऑप्शन है। टोटल छह तरीके होते हैं टेबल बनाने के। तो डायलॉग बॉक्स के लिए देखिए स्टेप क्या लिखा है, वी विल स्टार्ट एज इन लेसन वन, हमने जैसा लेसन वन में स्टार्ट किया था वैसे ही करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे या एमएस वर्ड ओपन करेंगे, फिर इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, फिर टेबल में क्लिक करेंगे। तो आप जब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे स्टेप आप अपनी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट लिख सकते हैं, ये स्टेप्स याद हो जाएंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और देखिए लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता, केवल पॉइंट हमें याद रखना, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको गलती नहीं मानी जाती है, चेक करने वाला आपको सही मान के ही देगा। क्लियर, इस पूरे पॉइंट को रटना नहीं है और इसको आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा था पहला जो ग्रिड वाला है ये तो हमने देख लिया, दूसरा हमने इंसर्ट टेबल ऑप्शन, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लियर, उसी को यहाँ पर पॉइंट बना करके लिखा गया है। क्लियर है, जब डायलॉग बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ चीजें मांगी जाएगी, जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स, उसी को लिखा हुआ है, इन द टेबल साइज ऑप्शन सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स टू 6, यहाँ पर बोला गया नंबर ऑफ कॉलम को 6 में सेट करिए, यानी 6 कॉलम के टेबल बनेंगे। क्लियर है, वैसे ही नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऑटो फिट बिहेवियर के बारे में हमने कल देखा था कि ऑटो फिट बिहेवियर में ऑटो फिट कंटेंट होता है जिसमें आप टेबल में जितना बड़ा डेटा रखेंगे उसका टेबल का साइज अपने आप उतना बड़ा होते जाएगा, और ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो वो पूरे स्क्रीन पर रहेगा भले ही आप एक एक दो दो कैरेक्टर भी उसमें लिखें। क्लियर है, तो ऑटो फिट को अभी फिलहाल आप नहीं देख, इस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट हो जाएगा, और ये दोनों ऑप्शंस जैसे इसमें दे दिया है ऑटो फिट के बारे में, तो ऑटो फिट ये वाले ऑप्शंस को आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इनको बताना, केवल आप ये और उसके बाद सीधा 9 नंबर पे भी आ जाए तो भी करेक्ट माना जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था जिससे हमने टेबल को क्रिएट किया। आइए इस प्रकार से तीसरा मेथड देखते हैं जिसमें स्टाइल दे सकते हैं हम किसी टेबल को। टेबल को कैसे हम स्टाइल दे सकते हैं, या पहले से बने बनाए टेबल्स यहाँ पर होते हैं, तो जैसे ही आप किसी टेबल को, मैंने पहले भी बताया कि आप किसी भी टेबल को सेलेक्ट करते हैं या अपना कर्सर टेबल के बीच में रखते हैं तो आपको ऊपर में ये दो एडिशनल टैब यहाँ पर दिखाई देते हैं, डिजाइन और लेआउट। ये उसी समय डिस्प्ले होंगे जब आप किसी टेबल को सेलेक्ट करके रखे होंगे। अगर आपने कोई टेबल सेलेक्ट नहीं किया है तो ये वाले ऑप्शंस डिस्प्ले नहीं होंगे। हमने कल इसको करके भी देखा था, लास्ट टेबल की जो क्लास थी, अभी फिर से करके देख लेंगे। क्लियर, तो आप जब इसमें सेलेक्ट करेंगे टेबल को तो टेबल के डिजाइन करने के ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे, देखते हैं क्या क्या डिजाइन हमको मिलती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ पहले से बनी बनाई टेबल का जो डिजाइन है वो आपको दिया जा रहा है। इस पे सेलेक्ट करते ही आपका टेबल जो है वो कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखने लगता है। पहले से ही यहाँ पर कुछ डिजाइन बनी बनाई दी गई है, यहाँ पर 4-5 पॉपुलर डिजाइनें स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहती है रिबन पर, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने की वजह से और भी डिजाइन से आप यहाँ पर क्लिक करके बाकी सारी डिजाइन को भी देख सकते हैं। इस ऑप्शन को टेबल स्टाइल कहा जाता है। तो अगर आप बोल सकते हैं कि एमएस वर्ड में टेबल के क्या फीचर्स हैं, तो उसमें टेबल स्टाइल एक पॉइंट हो सकता है कि एमएस वर्ड में टेबल को स्टाइल करने की सुविधा भी है, और ऑटो जो इसका फॉर्मेट है वो डिजाइन अप्लाई हो जाता है पूरे के पूरे टेबल में। इस टेबल स्टाइल को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे इसका कलर ग्रीन दिख रहा है, आपको इसका कलर येलो करना है या रेड करना है या ब्लू करना है, अपने हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मॉडिफाई स्टाइल ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मॉडिफाई स्टाइल में जा करके आप इनका कलर और इस तरीके का इनका फॉर्मेट, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, उनकी ग्रिड आदि को भी आप सेट कर सकते हैं।
बट टेबल में आपको ये मॉडिफाई स्टाइल वाला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इतना बड़ा आप नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें समय काफी वेस्ट होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आगे आपको लेआउट में कई सारी सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे टेबल से संबंधित कई सारी सेटिंग्स मिलेंगी। जैसे सेल मार्जिन एक सेटिंग दिख रही है, सेल मार्जिन आप सेट करने पर ये जो गैप दिख रहा है ये सेल्स के बीच का, इसको आप गैप को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये एक्चुअली मार्जिन है सेल के बीच में, एक एक डब्बे को सेल कहा जाता है, उनकी मार्जिन को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लेआउट टैब में आपको ये सारी सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी, क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखिए लेआउट में व्यू गाइडलाइंस प्रॉपर्टीज टेबल को डिलीट करना, इंसर्ट करना, और इंसर्ट सेल, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट टेबल, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, और ये सारे ऑटो फिट के ऑप्शंस, अलाइनमेंट के ऑप्शन, डायरेक्शन के ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से जो टेबल है उसके सेल को हम यहाँ पर खुद से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको काफी सारे ऑप्शन को हम काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आप टेबल को खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है उसकी अलाइनमेंट सेट करना, उसमें उसके हाइट और विड्थ को चेंज करना, उसकी मार्जिन को सेट करना, उसके अपीयरेंस को सेट करना। तो इन सारी चीजों को भी आप खुद से सेट कर सकते हैं। मतलब टेबल अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, उसको बनाना और उसको एडजस्ट करना प्रैक्टिस करने में ही काफी हफ्ता दिन लग जाता है। तो आपको उनके संबंधित सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में टेबल का जो क्वेश्चन आएगा वर्किंग विथ टेबल, तो आपको एक लिमिटेड आंसर ही लिखना है, जो आप करीब 15 से 20 मिनट में आपको लिख करके खत्म कर देना है 5 पेज में। तो उसको पॉइंट वाइज आप जितना अच्छे से खुद से पॉइंट वाइज बनाते हैं, उतना अच्छा कट टू कट लिख करके छोटा छोटा डायग्राम बना करके बहुत कम समय में आप लिख पाएंगे। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा आंसर लिखने में लगा रहे हैं तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि समय बहुत कम रहता है, लिख आता हुआ चीज भी छूट जाता है। मैं हर साल लोगों को बताता हूँ कि समय बहुत कम होता है इस पेपर में, दूसरे पेपर में थोड़ा सा समय मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट पेपर ये नहीं होता है, जब पहला पेपर लोग देने जाते हैं एग्जाम में और उनको समय कम मिल जाता है तो उनको खुद समझ में आ जाता है कि हमको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, कट टू कट लिखना है। तो ये पेपर फर्स्ट पेपर नहीं होता है, तो उनको जो सेकेंड थर्ड पेपर होता है उसमें आसानी से समझ में आ जाता है कि हमको उतना ज्यादा नहीं लिखना है। जब तक खुद से एग्जाम में नहीं बैठते हैं तब तक समझ में नहीं आता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमको लिखना क्या है, क्योंकि लिखने के लिए बहुत सारे कंटेंट्स हैं हमारे पास और समय बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर कुछ ऑटो फिट वगैरह के स्टाइल बताए गए हैं, मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। ऑटो फिट वाले जो स्टाइल दिखाए हुए हैं अभी थोड़ी देर में हम लोग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसमें ये हेडिंग बनाई गई है और 3 कॉलम बनाए गए हैं। यहाँ पर ये राइट अलाइनमेंट है, ये से लेफ्ट अलाइनमेंट है, कुछ बुलेट्स की लिस्ट बनाई गई है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम तैयार कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। यहाँ पर एमएस वर्ड की टेबल से संबंधित कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। हर टेबल के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर इस तरीके का एक आइकन होता है, इसका यूज किया जाता है टेबल को सेलेक्ट कर मूव करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट डिलीट करने के लिए, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो पूरे टेबल पर अप्लाई करना है उसको करने के लिए, इसको सेलेक्ट टेबल ऑप्शन कहा जाता है। तो सेलेक्ट टेबल करके आप इसको टेबल को मूव कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पूरे टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बॉर्डर्स के भी एक ऑप्शन आते हैं, टेबल बॉर्डर कहा जाता है उसको, और बॉर्डर बॉर्डर को भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल बना हुआ है, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि टेबल में लिखा हुआ है, तो टेबल का बॉर्डर 0 कर दिए तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट, असल में ये टेबल पे लिखा हुआ है। टेबल का यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं। टेबल का ये जो ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं अभी, सेलेक्ट टेबल और उसके बाद इंसर्ट, जो टेबल का डिटेल है उसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने का हमारे पास 3 तरीका होता है, या तो हम पहले पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें, या कोई कॉलम सेलेक्ट कर लें, या कोई रो सेलेक्ट कर लें।
और इनको सेलेक्ट करने के लिए हमने कल ऑप्शन देखा भी था कि रो को सेलेक्ट करने के लिए ये रो सेलेक्ट हुई है, ये कॉलम सेलेक्ट होती है, एक सिंगल कॉलम अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इस तरीके से होगा, और पूरा का पूरा टेबल ऐसा सेलेक्ट होता है। तो हमें जहां पर भी इफेक्ट देना है वहां पर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्ट सेल सेल। और इन चारों चीजों को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हटाने का मतलब है इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे हम। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे किसी सेल को या रो को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर अगर अपना कर्सर रखें तो कर्सर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कर्सर का जो निशान है वो इस तरीके से चेंज होता है, और ये हमको सेलेक्ट करने की सुविधा देता है कि हम यहाँ पर इसको किसी डेटा को या फिर किसी रो को सेलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो कर्सर का स्टाइल भी चेंज होता है लगे हाथ। आगे देखते हैं कि ये हमने सेल या रो को सेलेक्ट किया है, और भी हम सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। किसी रो को सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आपको किसी एक रो को सेलेक्ट करना है, तो इस रो के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को रखेंगे तो आपका माउस पॉइंटर जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा क्लिक करके हम किसी एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको ड्रैग करके मल्टीपल रोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पर, और उसी को स्टेप बाय लिखा हुआ है यहाँ पर कि किस तरीके से हम रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, मान लीजिए हमें किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो अपने कॉलम के ऊपर यहाँ टॉप में हम अपना माउस पॉइंटर रखेंगे तो माउस पॉइंटर ऐसा दिखाई देगा, और क्लिक करते ही हमारा एक कॉलम जो है या फिर कॉलम का सेट वो सेलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हमने टेबल को सेलेक्ट करना देखा, कॉलम को सेलेक्ट करना देखा, सेल को सेलेक्ट करना देखा, रो को सेलेक्ट करना देखा। एक और ऑप्शन में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर रैंडम सेलेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको रैंडम सेलेक्शन करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा कर रखिए, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है उसको दबा कर रखिए, और रैंडमली आप कोई भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि कंट्रोल की को आप प्रेस करके रखेंगे तो रैंडम सेलेक्शन आप कर सकते हैं किसी भी सेल पे, और वहां पर आप इफेक्ट दे सकते हैं रैंडमली। इस तरीके से हम टेबल को रन टाइम पर एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अपना एडिट करने का कई तरीका है, ऑटो फिट टू कंटेंट करने पर टेबल की साइज छोटी हो जाती है, और इसमें लिखा हुआ जो मैटर है उसके हिसाब से टेबल की साइज जो है वो एडजस्ट हो जाती है, ऑटो साइज हो जाता है वो। टेबल में हम नई रो और कॉलम को इंसर्ट भी कर सकते हैं। जिस रो और कॉलम, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लैंक ब्लैंक रो इंसर्ट हुई है, नीचे भी ब्लैंक रो इंसर्ट हुई है, तो इसके ऊपर अगर ब्लैंक रो चाहिए तो देखिए आपको इंसर्ट अबो, और नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो। तो इस तरीके से आप रो को ऊपर या नीचे इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही एक ब्लैंक कॉलम को आप लेफ्ट और राइट भी इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक कॉलम। तो आप रो और कॉलम को कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि आपने एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट किया है, ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट किया है इसके राइट में, और इसके लेफ्ट में भी एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट करने के भी दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट या तो राइट। जैसे यहाँ पर ब्लैंक रो को इंसर्ट किया इसके ऊपर, और यहाँ पर ब्लैंक रो को इंसर्ट किया इसके नीचे। क्लियर? तो ऊपर करना है या नीचे करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है, वो ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। सेम इसी तरीके से डिलीट करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने टेबल को मॉडिफाई करना देखा, और किस तरीके से हम टेबल को रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं वो भी हमने देखा। लास्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है टेबल के डेटा को रिमूव करना। हम पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं, उसमें किसी रो को डिलीट कर सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, या किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज डिलीट करनी है पहले उसे सेलेक्ट करिए, और फिर डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको डिलीट सेल, डिलीट टेबल, डिलीट रो सारे ऑप्शन दिखाएंगे। उसमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपका सेल, टेबल, रो और कॉलम जो है, जो भी सेलेक्टेड है वो रिमूव हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा।
इस तरीके से हमने टेबल के साथ वर्किंग देखी, टेबल के साथ कई सारी चीजें हमने देखी कि वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हम रन टाइम पे कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था वर्किंग विथ टेबल्स, काफी इजी टॉपिक है और आपको इसको पॉइंट वाइज रखना है और ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखना है, पॉइंट वाइज लिखते जाइए, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं और इनके सीक्वेंस को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, एक आध पॉइंट आप अपने मन से जोड़ सकते हैं, एक आध पॉइंट आप अपने मन से हटा भी सकते हैं। तो काफी इजी है, एक दो चीज आप लिखने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाता है और खुद ब खुद आप लिखने लगते हैं। इनके मैं नोट्स भी आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ, उसमें आप देखेंगे कि ऐप में जो नोट्स डले हुए हैं उसमें स्टेप्स दिखेंगे आपको, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट टेबल का एक हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि इंसर्ट टेबल में हम क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा एरिया है, पूरा 3 घंटे तक आप लिखेंगे तो भी ये कम पड़ेगा आपको। तो इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि देखिए बाई सेलेक्टिंग ग्रिड, ग्रिड से आप कैसे देखिए कैसे डायग्राम बनाया गया है, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का डिस्प्ले कर रहे हैं और इसको डार्क मतलब 2 बार ओवरराइट करके डार्क एरिया से डिस्प्ले किया जा रहा है। ये पहला मेथड है जिससे हम किसी सेल को सॉरी किसी टेबल को बना सकते हैं, पहला ऑप्शन सेलेक्टिंग ग्रिड। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंसर्ट टेबल के डायलॉग बॉक्स से, तो ये डायलॉग बॉक्स का ऐसा रफ डायग्राम बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा बहुत चीजें याद रखनी है, पॉइंट वाइज याद रखना है। तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल से आप इस तरीके से यूजर डिफाइंड डिजाइन तैयार कर सकते हैं, क्लियर है। चौथा ऑप्शन दिख रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये 6 ऑप्शन हैं जिसके द्वारा हम टेबल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखा हुआ है। सेलेक्टिंग ग्रिड, ग्रिड के द्वारा हम अगर बनाना है तो उसमें हम एक छोटा सा यहाँ पर स्टेप लिख दिए हैं, इंसर्ट टेबल बनाना है तो उसका छोटा स्टेप लिख दिए हैं। इनको 2-3 स्टेप में भी आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है। 10 10 नंबर लाइक आपको लिखना है। ड्रॉ टेबल में जाएंगे तो ड्रॉ टेबल की सहायता से हम आसानी से बना सकते हैं और इसमें कुछ टूल्स होते हैं जैसे पेन, इरेजर, बॉर्डर, टेबल स्टाइल, हेडर, फुटर, फर्स्ट कॉलम, ये सारे ऑप्शंस भी हमने देखे थे, उन्हीं को यहाँ पर हम लिखे हैं। अब टेबल में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, टेबल में रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, सेल की मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। तो हम टेबल के साथ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उनको हमने पॉइंट वाइज लिख दिया। मेन चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। अब इन पॉइंट्स में से 2, 4 या 1 आध पॉइंट को अपने मन से हटा भी सकते हैं, या मान लीजिए आपने ये पॉइंट अगर नहीं लिखा तो ये आंसर गलत नहीं है, आपने बाकी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, या एक आध पॉइंट को हटा दिए या कोई एक एडिशनल पॉइंट आपने जोड़ दिया इसमें, ऐसा ये पूरे कंप्लीट पॉइंट्स नहीं है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स जोड़ भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है और ये इस डायग्राम को बनाना बहुत कठिन नहीं है। मुझे लगता है कि आप एग्जाम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर थ्योरी लिखते हैं उससे जल्दी ये वाला डायग्राम बन जाएगा और इतना पेपर भी भर गया आपका, आपकी कम से कम 10 8 से 9 लाइन या 10 लाइन भर गई है और इसको बनाने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, जबकि 10 लाइन लिखने में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएगा। तो ऐसा डायग्राम बना बना करके आपको पेज को कवर करना है और सिंपल डायग्राम से ही समझ में आ जाता है कि आपको वो चीज पता है। तो देखिए इंसर्ट टेबल ये नेक्स्ट ऑप्शन चालू हो गया, मतलब नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया था। तो इतने 4 से 5 पेज में देखिए कवर कर लिया गया है पॉइंट वाइज लिख लिख के। अब यहाँ पर देखिए ये 10 लाइन कवर किया गया, इस 10 लाइन में एक एक वर्ड लिखे गए हैं, काफी आसानी से आप मुश्किल से 30 सेकंड में इसको लिख लेंगे, लेकिन अगर थ्योरी लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ तक, तो काफी समय लगता है। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको बताना है और सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अब ये डायग्राम बनाने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है,
वही चार लाइन आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो उससे ज्यादा समय लगेगा। तो इस तरीके से रफ डायग्राम बनाना है, क्लियर। ये डायग्राम बनाने में भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट टेबल ऑप्शंस को देखा, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा भी है कि लास्ट ईयर के पेपर में आया भी हुआ है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।